गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम सता एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश क्लास एज वी आर परस्यूंग विद आवर ग्रामर सेक्शन एंड इन दैट वी हैव कंटिन्यूड आवर सेंटेंसेज दैट इज चैप्टर वन ओके चैप्टर वन में हमने सेंटेंसिस पढ़ना शुरू किया है सेंटेंस किसे कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई मीनिंग हो उसको एक सेंटेंस कहा जाता है हमेशा सेंटेंस स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड विथ फुलस्टॉप ठीक है फुल स्टॉप एक्सक्लेट्री मार्क और क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं पहला है आपका स्टेटमेंट और कमांड इनमें हमेशा फुल स्टॉप होता है और स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी स्टार्टिंग लेटर कैपिटल uh, लेटर से होता है लेकिन एंडिंग क्वेश्चन मार्क्स से होता है उसके बाद एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मतलब हम किसी चीज़ को सरप्राइजिंगली देखते हैं या खुश होते हैं या अचंभित हो जाते हैं तब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क सो क्लास ये सब हमने क्लास लास्ट क्लास में ये सब हमने बुक में कंप्लीट कर लिया था नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दस सेक्शन दैट इज टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस बेटा यहां ब्रैकेट में कुछ वर्ड दे रखे हैं आपको उनमें से जो सही वर्ड होना चाहिए उसको टिक करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है ओके जैसे कि यहां पर देखिए पहला कर रखा है आई जम्प या फिर लाफ्ट इन टू द पुडल पुडल मतलब होता है गड्ढे क्या मैं गड्ढों को देख के हंस रहा था या मैंने जंप मारा तो आई jumped, jumped आपका सही वर्ड है किरण प्ले या saw एन ईगल इन द गार्डन क्या किरण ईगल के साथ खेल रही थी या फिर देख रही थी गार्डन में शी सॉ उसने देखा सॉ टिक कर दीजिए पीटर या क्राइड द ब्लैक बोर्ड अ बेटा पीटर ने डस्टर से ब्लैक बोर्ड को क्या रो रहा था या फिर क्लीन कर रहा था इट इज अ क्लीन वर्ड को टिक कर लीजिए अशरफ डज या फॉचेस टेलीविजन एवरी नाइट अशरफ जो है करता है या फिर देखता है हर रात को टेलीविजन इसमें क्या आएगा देखता है वॉचेस वॉचेस में आप टिक लगाएंगे भावना ड्रिंक्स या फिर ईट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे भावना जो है क्या वो ड्रिंक करती है या फिर ईट खाती है ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे ऑब्वियसली ड्रिंक पीती है ड्रिंक पे टिक लगाइए नाउ एच वन बेटा इसमें बोला है अ क्वेश्चन बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क क्लास इसमें है ना आपको क्वेश्चन मार्क और कभी भी आपने देखा जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया जब हम क्वेश्चन बोलते हैं स्टार्टिंग लेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए और आखिर में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे रीराइट दिस क्वेश्चन विथ कैपिटल लेटर्स एंड क्वेश्चन मार्क बेटा यहाँ पे आपके ना सही तरीके से नहीं लिखा है स्मॉल लेटर्स स्टार्ट किया है और पीछे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं तो आपको दोबारा लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है देखिए कैपिटल when, when, हो गया डब्ल्यू वेन इज योर स्कूल reopening क्वेश्चन मार्क इसी तरह से आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं ठीक है जीके? हर एक के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और स्टार्टिंग में आपको कैपिटल लेटर से लिखना है या आपको इसी तरह से इस बुक में कंप्लीट करना है नाउ कम्स नेक्स्ट पेज इस पेज में आपको आई सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर बेटा आपको कुछ पिक्चर्स आपके सेंटेंसेस के सामने दे रखे हैं आप इनको देख के आपको यहाँ अप्स दे रखे हैं, उसमें फिल करना है जैसे पहला वाला आपके लिए कर रखा है वट इज दिस दिस इज द रैबिट क्लियर है आपको so उसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन पूछू दैट ये कौन है दैट इज पोस्टमैन वो पोस्टमैन है व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं करके इनसे पूछा जा रहा है तो क्या जवाब दे रही है आई वर्क एज अ नर्स मैं एक नर्स हूं वॉट इज दैट दैट इज अ बुक ये एक बुक है ठीक है हाउ मेनी डक्स आर देयर इन द पन्ट पॉन्ट में कितने डक्स हैं देयर आर टू डक्स इन द ओके इज दिस अ पेन और अ पेंसिल इसे देख के आपको क्या लगता है दैट दिस इज अ पेन वट इज द चाइल्ड डूइंग बच्चा क्या कर रहा है द चाइल्ड इज ईटिंग बनाना बच्चा क्या कर रहा है बनाना खा रहा है इज मीनाज हेयर लॉन्ग और शॉर्ट आपको क्या देख के लगता है क्या मीना का हेयर लंबा है या शॉर्ट है मीनाज हेयर इज लॉन्ग मीना का हेयर लंबा है इज दिस अ स्नेक और क्रो क्या आपको क्या लगता है ये स्नेक है या काऊ है दिस इज अ स्नेक व्हाट इज योर वॉट इज दर इज द फ्लावर बेटा फ्लावर किसके अंदर रखा हुआ है द्लावर इज इन वास्लावर वास में रखा हुआ है ओके नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट जे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड बेटा उल्टे शब्द आपने बचपन में सेकेंड क्लास में पढ़ा होगा डे नाइट लॉन्ग शॉर्ट ठीक है इस तरह से आपको यहां वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है उनका उल्टे वर्ब्स उल्टा शब्द लिखना है ठीक है ऑपोजिट कहते हैं उसको उल्टे शब्द को क्या कहते हैं Opposites, opposites लिखना है Then find these opposites in the word search। बेटा यहाँ पे एक word search दे रखा है आपको इसमें find out भी करना है उन words को जैसे कि यहाँ पे दे रखा है देखो my string is short, but yours is long। मेरी तार छोटी है बट तुम्हारी काफी लंबी है लॉन्ग ढूंढना है और इसको ऐसे करके गोल मारना है इसी तरह से माई हेयर इज वेट वेट का उल्टा क्या होगा ड्राई बट योर इज ड्राई मेरा तो बाल गीले है लेकिन आपके सूखे। ड्राई ये देखें यहाँ पे ड्राई इसको सर्कल करना है पुनीत केम अर्ली बट कुमी लेट बेटा अर्ली का उल्टा क्या होगा लेट जल्दी और लेट ठीक है पुनीत तो जल्दी आ गया किमी लेट और इसमें आपको ढूंढ के लेट लिखना है ये देखिए यहाँ पे ए एल ल, ए टी लेट आई वेंट ईस्ट बट शुभा वेंट वेस्ट मैं ईस्ट की तरफ गई और ईस्ट का उल्टा क्या होगा वेस्ट ये देखिए यहाँ पे वेस्ट आपको फाइंड आउट करना है दिस इज माई राइट मेरी राइट right आर्म है तो दिस इज माई लेफ्ट आर्म आपको लेफ्ट ढूंढना है और उसको भी सिलेक्ट करना है लॉरल इज थिन लॉरल पतली है बट है हार्डी इज फैट लेकिन हार्डी मोटा है फैट कहा है यहाँ पे ये रहा फैट ओके इस तरह से आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है नाउ एन इंटरजेक्शन बेटा जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो लिखते हैं ना उस सेंटेंसेस को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग एक अचानक होने वाली शॉक या फिर जॉय या फिर सरप्राइजिंग जो फीलिंग होती है इंसान के साथ उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं वी मस्ट ऑलवेज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क बेटा इस तरह का होता है एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन हर एक इंटरजेक्शन के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क होना बहुत ज़रूरी होता है ओके नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क होना जरूरी होता है जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैव वन द मैच हमने जीत लिया मैच हुर्रे ओ नो आई ड्रॉप्ड माय सैंडविच अरे और मैंने अपना सैंडविच गिरा दिया डू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी में बोलते नहीं अल्लास माय पेट इज़ डेड अरे मेरा पेट मर गया हेलो इट इज़ नाइस टू सी यू हेलो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सो ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं ठीक है ये सारे इंटरजेक्शन सेंटेंसेज हैं करेक्ट इंटर इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन ब्लैक्शन वर्ड्स दे रखे हैं ठीक है उनको आपको चूज करना है और इसमें आपको फिल करनालो वट्राइज टू सी यू अरे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मतलब सरप्राइजिंग है कि आप बड़े हमारे मिले आई हर्ट माई फीट फूट मेरे को पैर में लग गया आउट अस गो ऑन टू टिपटो अरे पैरों पे उंगलियों पैर की उंगलियों पे चलते हैं। द डियर फेल इन टू पिट अरे यार वो छोटा सा डियर खड्डे में गिर गया तो इस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस को बताने वाले वर्ड्स को हमें यहाँ पे फिल करना है एल लास्ट है आपका ये वाला मेक सेंटेंसिस विद दीज वर्ड्स इन योर एक्सरसाइज बुक बेटा आपको अपनी कॉपी में आपको ये काम अपने आप करना है रिम्बर टू यूज कैपिटल लेटर याद रखना कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है पुट इन फुल स्टॉप और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क मार्क्स लगाना है वेयर नीडेड जहां जहां उसकी जरूरत हो जैसे कि फर्स्ट है होम क्लास में आपको एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन ये आपको अपने आप करना है ठीक है जैसे कि मैं अभी होम है तो दिस इज माय होम फुल स्टॉप टी कैपिटल होगा दिस इज माय होम ठीक है उसी तरह से आप भी लिख सकते हो ठीक है माई होम इज इन नथुपुरा इस तरह से भी आप लिख सकते हो ओके okay? रीटा आप जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ रीटा इज माई क्लास टीचर या फिर रीटा इज माई सिस्टर या फिर आप लिख सकते हो बदन नेम ऑफ माई सिस्टर एल्डर सिस्टर इज रीटा कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है आप अपनी तरफ से लिखोगे ही इज अ गुड बॉय ठीक है ही इज अ गुड बॉय तो ही हो गया वेर इज ही गोइंग वो कहा जा रहा है ही क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए वॉट What? What is इज name? वॉट कैपिटल होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क होना चाहिए What आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो ठीक है इस तरह से आप अपना सेंटेंस खुद लिखिएगा हेलो अब मैं यहाँ पे बोलू हेलो व्हाट इज योर नेम हेलो आपका नाम क्या है या फिर हम बोल सकते हैं हेलो व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हेलो आपसे आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा या फिर हेलो इट्स नाइस टू सी यू आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा तो इस तरह से आप सेंटेंसेस अपने आप बनाएंगे किस में लिखेंगे कॉप पी में सो so, क्लास ये आपका चैप्टर वन था दैट इज सेंटेंसेस विच इज़ नाउ कंप्लीटेड अब आपका चैप्टर वन सेंटेंसेस कम्प्लीट हो गया है जो भी बुक वर्क मैंने आपको बोला है सिर्फ आपको बुक में करना है और बाकी सारा जो मैंने लास्ट में आपको सेंटेंसेस बोले हैं और इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट डे जो आप लोगों को लिखवाया है वो कॉपी में करना है सो क्लास यू मस्ट भी क्लियर अबाउट दिस सेंटेंसेस Thank you.